Hello students this is Neeru Mehta welcome to the second session of exponents in previous session we have learned what are exponents and powers today we are going to learn about laws of exponents so let's start first law says when we are going to multiply two numbers with same base and different powers then i will add the powers with same बेस हेयर लेट्स एग्जाम्पल आई एम हैविंग टू नंबर्स टू बाय फाइव रेज टू द पावर थ्री एंड टू बाय फाइव रेज टू द पावर फोर एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स तो वट विल हैपन मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर बताया क्या होगा पावर्स विल गेट एडिड ऑन द सेम बेस बेस क्या है मेरे पास टू बाय फाइव टू बाय फाइव के ऊपर मैं इन दोनों पावर्स को क्या करूंगी एड कर दूँगी पावर्स आर थ्री प्लस फोर तो इट विल बिकम टू बाय फाइव रेज टू द पावर सेवन second law says when i am going to divide two numbers with same base and powers different different powers then powers will get subtracted on the same base let's see uh, uh, let's understand it through one example i am having two number 3 by 8 रेज टू द पावर सिक्स एंड थ्री बाय एट रेज टू द पावर टू हेयर बेसिस आर सेम दैट इज थ्री बाई एट और हो क्या आ रहा है ऑपरेशन इज डिविजन तो पावर क्या हो जाएंगी सब ट्रैक्ट होंगी हाउ आई विल राइट थ्री बाई एट सेम बेस एंड पावर सिक्स माइनस टू तो वाट इट बिकम्स थ्री बाई एट होल की पावर फोर देन इट बी माई आंसर थर्ड लो सेज दैट इफ आई एम हैविंग ए एक्सपोनेंशियल नंबर लाइक ए रेस टू पावर एम एंड उसकी भी होल पावर है दैट इज एन देन पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड ऑन द बेस सपोज आई एम हैविंग वन नंबर माइनस फाइव अपॉन इलेवन की पावर रेस टू पावर टू एंड उसकी होल पावर है माइनस फाइव तो क्या होगा माइनस फाइव बाई इलेवन पे ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई होंगी हाउ I am showing you here minus five by eleven. Then its power will get multiplied by whole power that is minus five. So minus five by eleven whole ki power minus ten. That's be my answer. Fourth law says that when I have to multiply the two numbers with different base and same power, then bases will get multiplied with the same powers. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एग्जाम्पल आई हैव टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन माइनस सिक्स 13 थर्टीन to टू पावर टू 13 upon थ्री raised टू पावर टू लुक यहाँ पर क्या है बेसिस डिफरेंट है फर्स्ट बेस क्या है माइनस थ्री सिक्स अपॉन थर्टीन एंड सेकेंड बेस है थर्टीन अपॉन थ्री एंड पावर्स आर सेम तो वट आई विल डू मैं दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दूंगी विथ सेम पावर क्योंकि पावर इसके भी टू है इसके भी टू है तो पावर सेम रह जाएगी और बेसिस इसके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे कैसे आएगा 13 विल गेट कैंसिल विथ 13 एंड 3 टू सिक्स। तो इट विल बिकम माइनस -2 होल की पावर 2 दैट बी माय आंसर नाउ लेट्स सी फिफ्थ लॉ व्हाट डज इट से फिफ्थ लॉ क्या कहता है इफ आई हैव टू डिवाइड टू नंबर्स विद डिफरेंट बेस एंड सेम पावर देन बेस विल गेट डिवाइड विद द सेम पावर सेम जैसे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में था वैसे ही करेंगे बेस मल्टीप्लीकेशन में बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे विथ सेम पावर और डिविजन में क्या हो जाएंगे बेस डिवाइड हो जाएंगे विद सेम पावर लेट्स वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिवाइड नाइन अपॉन थर्टीन रेज टू पावर थ्री विद एटीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स रेज टू पावर थ्री तो मैंने क्या करूँगी मैं इसमें नाइन अपॉन थर्टी को डिवाइड कर दूंगी एटीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स विद सेम पावर दैट इज थ्री अब आपको बताया रेशनल डिविजन है तो मैं इसका रेसी प्रोकर ले लूँगी डिवाइजर का इट विल बी कम ट्वेंटी सिक्स अपॉन एटीन होल की पावर थ्री हेयर इट विल गेट रिड्यूस थर्टीन टू ज एंड टू विल गेट कैंसल विद टू तो वन के पार्ट थ्री इट बे माई आंसर एंड सिक्स लॉ से इफ एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो दैन दैट भी इक्वल टू वन सपोज आई एम हैविंग एनी नंबर फाइव माइनस फाइव अपॉन थर्टी रेज टू पावर जीरो दैन इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू भी वन इफ हंड्रेड रेज टू पावर जीरो दैन इट्स वैल्यू भी one so whenever any numbers raise to zero then that be equal to one only yeah. students question related to these laws have been uploaded try to solve that and all the rest